अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिलचस्प और मालूमती सवालात के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, किस नमाज की जमात में नया आने वाला मुक्तदी शरीक नहीं हो सकता? सही जवाब है, अगर फर्ज छूट जाने के अलावा किसी सबब नमाज बाजमात दोहराई जा रही हो तो नया आने वाला मुक्तदी शरीक नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तर्क फर्ज के सबब दोहराई जाए तो नया शख्स शरीक हो सकता है। सवाल नंबर दो, दुनिया में सबसे पहला रोज़ा किसने रखा? सही जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर तीन, खातून जंगे उहद कौन थी? सही जवाब है, हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल नंबर चार, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी की गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई? सही जवाब है, हजरत बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर पाँच, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मकदार पानी से वजू फरमाया करते थे? सही जवाब है, एक मद पानी से। सवाल नंबर छः, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम क्या था? सही जवाब है, जुल्फिकार। सवाल नंबर सात, सूरे काफ के साथ कितने फरिश्ते नाजिल हुए? सही जवाब है, 70,000। सवाल नंबर आठ, वो कौन सा पाक और साफ कपड़ा है जिसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं? सही जवाब है, चुराया हुआ कपड़ा। सवाल नंबर नौ, अल्लाह ताला के किस नबी की 1,000 बीवियां थी? सही जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर दस, शैतान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं और वो लड़के होते हैं या लड़कियां? इसका सही जवाब है, शैतान अंडे देता है और इसके लड़के और लड़कियां दोनों पैदा होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।